टॉपिक में आपका स्वागत है। बारे के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी गद्य में चल रहा है पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें संस्कृत राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृत। तो संस्कृत में दूसरा पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं आज। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार की लताएं वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य माने जिसका दमन न किया जा सके, अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से, यानी लताएं पारस्परिक सम्मिलन का मतलब लताएं जैसे वृक्षों का सहारा प्राप्त करके बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं, तो अपने पारस्परिक आपसी मेल से अविरोधी स्थिति प्राप्त करती हैं, जो एक दूसरे से विरोध नहीं उत्पन्न करती बल्कि एक दूसरे के सहयोग की सहायता से आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय लोग भी अपनी संस्कृतियों के द्वारा, अपने अपने संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, आपस में मिल करके एक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को साथ लिए हुए आपसी भेदभाव को मिटा करके आपसी मेल के द्वारा समाज में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करती है, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार जल की अनेक प्रवाह नदियों में, अलग अलग नदियों में अनेक प्रकार का, अनेक तरह का प्रवाह होता है, लेकिन जब उनका मिलन समुद्र में होता है तो एकाकार हो जाते हैं। समुद्र में मिलने के बाद नदियों का नाम भेदभाव सब मिट जाता है, एक हो जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां, अनेक तरीके, तौर तरीके, रहन सहन वो राष्ट्रीय संस्कृति में मेल प्राप्त करती हैं, और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ध्यान देंगे, लेखक कहते हैं कि समन्वय युक्त जीवन, समन्वय युक्त मेलकारी जीवन, आपसी सद्भावना, आपसी भाईचारा, सौहार्द के साथ जो मेलपूर्ण व्यवहार है, वही जीवन की राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर ये भावना मनुष्यों में विकसित नहीं रहेगा तो राष्ट्र विकसित सुखमय नहीं बन सकता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। राष्ट्र के लोग अपने अपने भावों को अनेक तरीकों से प्रकट करते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग साहित्य के द्वारा, कुछ कला के द्वारा, कुछ नृत्य, कुछ गीत के द्वारा, आमोद प्रमोद द्वारा अपने अपने भावनाओं को, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है, और आत्मा को जो विश्वव्यापी पूरे संसार में व्याप्त होने वाला जो आनंद, सबको एक समान आनंद प्रदान करने वाला होता है, वह इन्हीं विभिन्न रूपों में साकार होता है, कभी साहित्य के रूप में, कभी कला के, कभी नृत्य के, कभी गीत के माध्यम से। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेखक कहते हैं कि अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो जो हमारी संस्कृति या सभ्यता के जो बाहरी लक्षण है वो अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से, लेकिन आपसी आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, एक रूपता है, एक मेलता है। जो व्यक्ति सहृदय है, यानी जो सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हैं। हर एक दूसरे के जो आनंद का पक्ष है, दूसरे से घृणा नहीं करते बल्कि एक दूसरे के आनंद पक्ष को, चाहे साहित्य हो या कला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी सराहना करते, प्रशंसा करते हैं, उसकी कला विधियों को, उसकी विद्वता को स्वीकार करते हैं और उसे आनंदित होते हैं। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वार्थकर, लेखक कहते हैं कि इस प्रकार की उदार भावना ही अनेक प्रकार के लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। अगर ये उदार भावना न हो तो राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं होगा। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, चारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार हुआ है। गाँव में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ, लोक कथाएँ भरी होती हैं, तो लेखक कहते हैं कि गाँव में, जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले जो लोकगीत हैं, जो अपने आप अनायास ही मुख से प्रस्फुटित हो जाते हैं, उन लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं, और ये आकाश भी रहस्यमयी है,
आकाश और नक्षत्रों के बारे में अनेक प्रकार की लोक कथाएं, दंत कथाएं भरी हुई हैं, जिसमें भी संस्कृत का विकास होता है। एक संस्कृत एक सभ्यता पनपती है, तो संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है। जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है, वहाँ से भी हमको आनंद असीम मात्रा में उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। और पहले ही लेखक बोल दिए हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, उन सारे वस्तुओं, सारे तत्वों को हमको स्वागत करना चाहिए। तो राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सभी का हमको अपने हृदय से स्वागत करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, आगे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने चरित्र के द्वारा अपना नाम, देश का नाम, देश का अभिमान बढ़ाया। धर्म विज्ञान, साहित्य और कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, मतलब जो कुछ भी अपने उत्कृष्ट कला को प्रदर्शन किया, दिखाया, उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। सारे विस्तार को हम एक गौरव के साथ, गौरवपूर्ण के साथ हम धारण करते हैं, और उनके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। जो उससे उत्पन्न होने वाला तेज है, जो ख्याति है, यश है, उसको हम भावी जीवन में, आने वाले जीवन में देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यही राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र को विकसित करने का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं होता है, हमारा जो अतीत है, जो बीता हुआ कल है, वर्तमान के लिए, वर्तमान में जो लोग हैं उनके लिए वो बोझ नहीं होता है। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ता नहीं है, और भूत वर्तमान को जकड़ता नहीं है, वरन अपने वरदान से, अपने वरदानों से, मन उत्कृष्ट कर्मों से, उत्कृष्ट योगदानों से पुष्ट करके उसे और आगे बढ़ाना चाहता है, और पुष्ट करना चाहता है, देश को विकसित करना चाहता है, उस राष्ट्र का हम हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसे राष्ट्र को हम स्वागत करते हैं। तो अंतिम पैरा जो है, पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, इस यह पैरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या आप लिख लेंगे। विशेषताएँ पूर्ववत हैं, भाषा वही है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ओज प्रधान, और इसमें लोगों के, देश के लोगों के, देशवासियों के संस्कृत, सभ्यता, संस्कार के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।